छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही हाथियों की मौत। गरियाबंद जिले में फिर एक हाथी की मौत हो गई है। वन अधिकारी ने मौके पर पहुंचे शव का पोस्टमार्टम करवाया। अधिकारियों के अनुसार घटनास्थल के आसपास बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। वहीं हाथी के पैर और पिछले हिस्से में बाघ के काटने के निशान पाए गए हैं। इस पहाड़ पर पहले भी एक छोटी हाथी की मौत हो चुकी है। ओड़ आमामोरा की पहाड़ियों पर पहुंचे 22 हाथियों के दल में एक हाथी की मौत पहले धवलपुर के पास गांव में करंट लगने से हो चुकी थी। आज उसी दल के एक और हाथी के बच्चे की मौत हुई है। वन अधिकारियों ने बताया कि हाथियों के बच्चे पर बाघ ने हमले का प्रयास किया, जिसके बाद हाथी का बच्चा घायल हो गया। कुछ समय घायल रहने के बाद बीती रात मौत हो गई। जानकारी ग्रामीणों को लगी। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद वन अधिकारी पशु चिकित्सक को लेकर पहुंच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।